इसका मतलब क्या है कि ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं कि वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को लोड करे, उसके बाद वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। दो कैटेगरीज हैं, सबसे पहली कैटेगरी है इंक्लूड की कैटेगरी और दूसरी है डिफाइन की कैटेगरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को देने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले हैश का सिंबल लगाते हो। हैश के सिंबल से हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर हमें एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मिलने लगे। उसके बाद अगर तो आप कोई लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल एड करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैश इंक्लूड क्या करता है और ये जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं ये क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि हैश इंक्लूड का जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसे हम लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा लाइब्रेरी को डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स को जो है वो स्टोर किया जाता है। बुक्स के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी ऑथर ने या राइटर ने पहले से लिख दी है, ताकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से ना जनरेट करनी पड़े, आप सिंपली उस बुक से वो इन्फॉर्मेशन लें और उसे यूज़ कर लें। इसी तरह C++ और C लैंग्वेज बनाने वाले ने कुछ लाइब्रेरी फाइल्स बनाई जिसके अंदर उसने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से लिख दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। किस तरह से, आप लिखते हो हैश इंक्लूड और आगे लाइब्रेरी फाइल्स। अब इन फाइल्स में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इन फाइल्स के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि जो भी आपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो भी कीवर्ड यूज़ करना है प्रोग्राम में या कमांड यूज़ करनी है तो उनके अगेंस्ट क्या काम करना है, तो उन तमाम कमांड्स की जो डेफिनेशन हैं वो लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से ही बनाकर लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर लिख दी है। लाइब्रेरी फाइल की पहचान होती है उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है .h होती है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि फाइल के दो पोर्शन होते हैं, एक फाइल नेम और दूसरा फाइल की एक्सटेंशन। डॉट के लेफ्ट साइड पे उसका नाम होता है और डॉट के राइट साइड पे जो है वो फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो जो लाइब्रेरी फाइल्स की एक्सटेंशन है वो होती है .h। अब हमने जो है एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि लाइब्रेरी फाइल किस तरह से लिखी जाती है। आप कीवर्ड लिखते हो हैश इंक्लूड और उसके बाद एक्सर्शन ऑपरेटर, या मैथ में इसको जो है हम लोग लेस देन वाला ऑपरेटर भी कहते हैं, तो यहाँ हम इसको एक्सर्शन ऑपरेटर कहेंगे। एक एक्सर्शन ऑपरेटर, उसके बाद आप उस लाइब्रेरी फाइल का नाम लिखोगे जो आपने यूज़ करनी है, और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर। हम जो यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल यूज़ कर रहे हैं इसका नाम है stdio.h या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। हमारे प्रोग्राम के अंदर फर्दर जाके हम जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन यूज़ करेंगे उनकी डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर पड़ी होती है। नेक्स्ट जो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है उसे हम कहते हैं डिफाइन। डिफाइन का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं। जस्ट लाइक पाई की वैल्यू, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई, जिसकी वैल्यू है 3.14 समथिंग, वो आगे काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं, तो हम उसे ऐसा बोल 3.141 ले लेते हैं। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर पाई की वैल्यू को यूज़ करना चाहोगे, तो चूँकि एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, तो आप इसको प्रोग्राम से पहले ही डिफाइन कर दोगे यूजिंग हैश डिफाइन। अब इसका तरीका क्या है, आप कीवर्ड लिखते हो हैश, उसके बाद कीवर्ड नहीं सॉरी हैश इसका सिंबल, उसके बाद कीवर्ड लिखते हो डिफाइन, स्पेस देते हो, उस कॉन्स्टेंट का नाम लिखते हो जिस नाम से आप कॉन्स्टेंट डिफाइन करना चाहते हो,
फिर से स्पेस दोगे और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो हैश डिफाइन भी आ गया। इसकी हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली, जैसे कि पाई है एक कांस्टेंट है, इसी तरह ग्रेविटी है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड होती है। वो आप कहीं पर भी चले जाएं तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो 9.8 ही रहती है ऑन अर्थ। अर्थ के अलावा तो वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ग्रेविटी की भी वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे हैश डिफाइन, या तो कंप्लीट नेम लिख लें ग्रेविटी, या हम सिर्फ जी लिख लेते हैं और आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8। तो अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी जी को यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 9.8 ही रहेगी, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ, जिसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा है। अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और किस जगह पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड किया जाता है और इनको ऐड करने के बाद ये क्या काम करते हैं। तो प्रोग्राम का ये स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये तीन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दे दिए गए हैं कंपाइलर को। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन बना और मेन फंक्शन के डेलिमिटर्स या उसकी बॉडी बनी। अभी हमने डिस्कस किया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं ये आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंपाइलर को प्रोग्राम के चलने से पहले दी जाती है। तो ये देखें, मेन के बाद ये जो दो ब्रैकेट्स लगी हैं इसके अंदर जो कोड लिखा गया है ये आपका एक्चुअल प्रोग्राम है। ये जितने की लाइन्स यहाँ पर लिखी गई हैं ये आपका एक्चुअल प्रोग्राम है। इससे पहले की ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इसलिए दी गई हैं कि इस प्रोग्राम को चलाने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर ने फॉलो करना है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो हमने उसको दी है वो दी है हैश इंक्लूड वाली, यानी कि यहीं से जो है कंपाइलर को पता चल गया कि अब एक लाइब्रेरी फाइल ऐड करने जा रहे हैं। हमने कौन सी लाइब्रेरी ऐड की, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद हमने एक और लाइब्रेरी ऐड कर ली conio.h या कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, और उसके बाद हमने एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर ली है यूजिंग हैश डिफाइन एंड दैट इज पाई, और उसकी वैल्यू हमने रखी 3.141। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शंस ये पोर्शन चलने से पहले इसको मिल चुकी हैं। हमारे कंपाइलर ने इन दोनों लाइब्रेरी फाइल्स में जो भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं उन्हें पहले से लोड कर लिया है, उसके बाद ये मेन फंक्शन की तरफ आएगा। नेक्स्ट लाइन में उसे मिला इंट मेन, ये जो इंट है ये रिटर्न टाइप है फंक्शन की। इसका मतलब है कि जो आपने नीचे कोड लिखा है ये काम करने के बाद किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद कीवर्ड लिखते हैं मेन, मेन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन की पहचान है कि उसके आगे दो स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, तो ये मेन का फंक्शन है यहाँ पे जिसके रिटर्न टाइप इंटीजर है या इंट। आगे उसकी बॉडी स्टार्ट होती है, अब यहाँ से हमारा एक्चुअल कोड स्टार्ट होता है। अब जैसे हम इसकी बॉडी में एंटर होते हैं सबसे पहली जो लाइन आपको नजर आएगी वो है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जो है वो सी लैंग्वेज का एक आउटपुट फंक्शन है जिसका काम है कि उसके सामने जो भी फ्रेज लिखी जाएगी उसको वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले करवा देगा। उसका तरीका क्या है, आप लिखते हो कीवर्ड प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद डबल कोट्स लगाते हो और एंड पे डबल कोट्स को क्लोज करते हो इस तरह ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी लिखा है ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एज इट इज लिखा जाएगा और हर स्टेटमेंट के एंड पे आप सेमी कॉलन लगाते हो। सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो गई, जहाँ पे भी कंपाइलर को सेमी कॉलन मिलेगा वहाँ पे वो एक स्टेटमेंट को एंड कर देगा। अब ये जो प्रिंट एफ हमने लिखा, कंपाइलर को कैसे पता कि जब भी मुझे स्क्रीन पे प्रिंट एफ मिलेगा तो मैंने क्या काम करवाना है, तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरी फाइल्स में से ढूंढेगा जाके, सारी लाइब्रेरी फाइल्स को सर्च करेगा और देखेगा कि इस प्रिंट एफ की डेफिनेशन किस लाइब्रेरी फाइल में पड़ी है। तो इसकी डेफिनेशन उसे मिलेगी stdio.h या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो वहाँ से जाके उसे पता चलेगा कि इसके अगेंस्ट मैंने क्या काम करवाना है। तो ये तो काम हो गया लाइब्रेरी फाइल्स का, हमें पता चल गया कि लाइब्रेरी फाइल्स क्यों ऐड की जाती हैं। रिपीट कर लेते हैं,
लाइब्रेरी फाइल्स इसलिए ऐड की जाती हैं ताकि जितने भी आप स्टेटमेंट्स लिखो अपने प्रोग्राम में तो उनकी डेफिनेशन कंपाइलर को मिल सके और उसे पता चल सके कि किस आपने जो है स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या काम करना है। तो हमने क्या किया अपने प्रोग्राम में, जैसे हमारा प्रोग्राम चला सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा लिया फर्स्ट प्रोग्राम, ये लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, दो वेरिएबल्स बनाए हमने। वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर होते हैं इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो बनाएंगे। हमने दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करवाए, एक एरिया के नाम से और एक रेडियस के नाम से। एरिया को हमने जीरो दे दिया, रेडियस को हमने 5 दे दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सिंगल इक्वल जो है वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, जिसका काम होता है राइट साइड वाली वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को दे देना। तो यहाँ पे जीरो एरिया के पास आ जाएगा और ये जो 5 है ये रेडियस के पास आ जाएगा। इंटीजर टाइप के बनाए हमने दोनों, तो इसका मतलब है ये दोनों अपने पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता, आपके जो नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं विदाउट पॉइंट वाली जो वैल्यू। इस लाइन पे आए, हमने दो वेरिएबल्स बना लिए। अब हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई जो कि एक कॉन्स्टेंट था तो हमने क्या किया, इसको पहले ही डिफाइन कर लिया, इसकी वैल्यू 3.141 हमने पहले से ही रख ली है। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप इस पाई को जहां पे भी यूज करोगे वहां पे इसकी वैल्यू 3.141 ही रहेगी। तो हमने फॉर्मूला लिखा है सिंपल, एरिया इक्वल्स टू पाई इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, रेडियस को फिर से रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। ये कैलकुलेट होने के बाद मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ और पाई के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू इस एरिया को असाइन हो जाएगी। एरिया जो है वेरिएबल है, रेडियस भी वेरिएबल है, तो इनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकती है। इस स्टेप पे एरिया की वैल्यू थी 0, जबकि इस स्टेप पे क्या आ जाएगी, हमारे पास रेडियस कैलकुलेट होगा और वो मल्टीप्लाई होगा पाई से और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी एरिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक लॉजिकल सी बात आती है कि हमने अभी बात की कि आपके पास ये जो एरिया है आपने रखा इंटीजर टाइप का, जबकि पाई में जो वैल्यू पड़ी है वो है पॉइंट वाली, तो एरिया तो पॉइंट वाली वैल्यू ही नहीं स्टोर कर सकेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और डाटा टाइप इस्तेमाल कर लेंगे जिसको हम कहते हैं फ्लोट डाटा टाइप। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को चेंज करते हैं और ये जो हमने एरिया जो है वो लिया है इसको हम फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं। तो रेडियस को हम इंटीजर में ही रहने देते हैं और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो हमारे पास है एरिया उसे हम फ्लोट बना लेते हैं। तो अब ये जो एरिया है ये अपने पास फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकेगा। तो ये दोनों यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद असाइन हो जाएंगे एरिया को और अब हम यहाँ पे भी जो है वो इसके लिए फ्लोट टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा कंट्रोल आएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे अब क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज डिस्प्ले होगा और आगे कॉमा लगा के हमने वेरिएबल का नाम लिखा है तो इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस लाइन पे हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा एरिया इज इक्वल टू और आगे उसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो नजर आ जाएगी और इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने और यूज की है गेट सी एच या गेट करेक्टर, इसका क्या काम है, ये एक इनपुट स्टेटमेंट है। हमारा कंप्यूटर जो है वो इतनी तेजी से कैलकुलेशंस करता है कि ये बहुत स्पीड से इस प्रोग्राम को चलाएगा, आंसर कैलकुलेट करेगा और उस प्रोग्राम को बंद भी कर देगा, हमें नजर भी नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद एक इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे अब आकर हमारा कंट्रोल तब तक वेट करेगा, यहाँ से आगे नहीं मूव करेगा जब तक उसे कोई इनपुट नहीं मिल जाएगी, तो इसलिए हम इसको एंड पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको यहाँ इनपुट मिलेगी उसके बाद ही अब एंड हो जाएगा, तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ जाएगा।
तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जांपल प्रोग्राम लिखेंगे और उसे जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।